नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। भू माफिया वार्ड अधिकारियों का किस तरीके से आपसी संगमत होता है, उन लोगों में कितना मेल झोल होता है, और मीरा भाईंदर में जिस तरीके से भू माफियाओं को खुला समर्थन वार्ड अधिकारी से लेके मनपा के वरिष्ठ अधिकारी देते हैं और उन्हें बसाते हैं, उनमें उनका अहम रोल होता है, इस बात का खुलासा हाल ही में अभी फिलहाल हुआ है। इस वक्त मेरे साथ में एक हिम्मत बेग है, इन्होंने एक व्यवहार किया था दीपक सिंह नामक भू माफिया को, इन्होंने 25 घंटे ज़मीन दी थी जो कि खरीदी खत नहीं हुआ था, सिर्फ एग्रीमेंट किया था, लेकिन उसने पूरी 64 घंटे ज़मीन इनकी बेच दी है और उस पर अनधिकृत निर्माण और झोपड़े बनाए जा रहे हैं। खासकर ये झोपड़े जो बन रहे हैं वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत के मार्गदर्शन में शनिवार रविवार के रात बनते हैं, हर हफ्ते 4 से 5 झोपड़े बन रहे हैं। इस मामले में एसीपी सानप और काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने जून महीने से लेके अभी तक का करीब 4 बार लिखित रूप से वार्ड ऑफिसर को जानकारी दी है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों से लेके वार्ड अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। जबकि स्वप्निल सावंत इससे पूर्व भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, निलंबित हो चुके हैं, पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़े भी गए थे, जिनका केस अभी चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ में मीनाक्षी नगर में जिनकी ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके अवैध निर्माण किए जा रहे, झोपड़े बनाए जा रहे, हिम्मत बेग है, आइए जानते हैं उनसे उनका क्या है मामला। हिम्मत जी, आपका स्वागत है। आपकी ज़मीन के ऊपर रोज़ाना अनधिकृत निर्माण हो रहा है, पुलिस प्रशासन ने 4 बार जो है कार्रवाई के लिए सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? सर जी, मेरा नाम अलीम हिम्मत बेग है, मैं काशीमीरा वेस्टर्न पार्क में रहता हूँ। मैंने अर्जी, जब वहाँ पर झोपड़े बन रहे हैं तो मैंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हजारे साहब को लेटर अर्जी दिया, तो वहाँ पर पवार साहब थे, तो पवार साहब ने आयुक्त साहब के लिए और वार्ड ऑफिसर के लिए लिखित, मतलब उन्होंने लेटर दिया। उसके बाद जो है ना, हमारे जितेंद्र पाटिल साहब हैं उन्होंने भी लिखित लेटर दिया। सानप साहब के यहाँ मैंने अर्जी दिया तो सानप साहब ने 3 लेटर लिखा, आयुक्त साहब को लिखा और वार्ड ऑफिसर को लिखा, मगर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो वार्ड ऑफिसर स्वप्न सावंत है और जो वहाँ के भू माफिया राजू कुमार सिंह उर्फ दीपक, अनिल कमलेश सिंह, कमलेश त्रिवेणी सिंह और संजीव सिंह, इन दोनों का, इन 4 भू माफियाओं का स्वप्न सावंत से क्या संबंध जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या लेन देन हुआ है, मुझे तक अभी कोई पता नहीं चल पाया। मगर वहाँ पर हर शनिवार और संडे को 4, 5, 6 झोपड़े बनते हैं, जिसकी मैंने नगर पालिका में भी अर्जी दी हुई है और मैं वहाँ के आयुक्त साहब से निवेदन करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आयुक्त साहब ज़रूर उस पर कोई कार्रवाई करवाएंगे। और जो हमारे गायकवाड़ साहब हैं उनसे भी मैं मिला, उन्होंने भी मुझे संतुष्टि दी कि अलीम ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक पिछले 4 महीने से लेके अब तक का सिवाय आश्वासन के इन्हें कुछ नहीं मिला है, वार्ड ऑफिसर नज़रअंदाज कर रहे हैं, आयुक्त भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से अवैध निर्माणों को वहाँ पे मौका मिल रहा है, इससे साफ होता है कि नगर पालिका की अधिकारियों की मिली भगत से ही पूरा अवैध निर्माण होता है और जब बनता है बसता है तो जयनगर की तरह 300 झोपड़े को एक दिन में तोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से रोज़ाना वहाँ पे अभी अवैध निर्माण हो रहा है, नगर पालिका के अधिकारियों को कमिश्नर से लेके महापौर तक, नगर सेवक तक, सब जानते हैं कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सब अपने में मस्त है, ज़मीन मालक अपनी ज़मीन के लिए परेशान है, क्या कहेंगे महापौर नगर सेवकों को, ये जो काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी है? सर जी, मैं नगर सेवकों से भी मिला और मैं महापौर से पर्सनल मिलने गया तो उन्होंने मुझे पेपर मेरे देखे और कहा कि आश्वासन दिया कि कार्रवाई कराएंगे, बाकी हुई नहीं कार्रवाई। बाकी नगर सेवक वहाँ के किसी ने मुझे कोई, मतलब मेरे हेल्प नहीं करी। क्या वहाँ पे शौचालय वगैरह बनाया गया है, गटर वगैरह बनाई गई है? वहाँ पर एक शौचालय आदिवासी में बना हुआ है, अभी बना है ताजे में, जिसमें मेरी करीब 10 फुट ज़मीन गई है, मुझसे ना किसी ने पूछा
ना मुझे किसी ने सूचना दी, और जब मैं गांव में था तो वो बनके तैयार हो गया, और अभी वहां पर गटर का काम चालू होने वाला था तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने लिखित रूप से आयुक्त साहब को, मीरा भेंदर महानगर पालिका को लेटर दिया हुआ है और उस पर सारे पेपर लगाए हुए हैं कि यहाँ पर मेरी बगैर NOC के कोई काम नहीं होना चाहिए। ये महापौर का क्या रोल है? महापौर का वार्ड है, महापौर का ध्यान नहीं है सर? सर जी, महापौर से इस विषय में भी बात हुई कि ताई वहाँ पर जो है गटर का काम चालू होने वाला है उसको रोकिए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमसे NOC नहीं ली है तो ज़रूर रोक दिया जाएगा। लेकिन जो अवैध झोपड़े बन रहे हैं उसके बारे में महापौर की क्या राय है? महापौर से हमने बात की और बात करने के बाद जो है उनसे कहा तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि एक हफ्ते में हम कार्रवाई कराएंगे। ये बात कब हुई थी? ये हमारी बात शुक्रवार को हुई थी। तो देखा कि इन्हें महापौर ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अब इस आश्वासन की पूर्ति कब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की बेबाक निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।